अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर तमाम जिला मुख्यालय पर राज्यपाल के नाम कृषि विधेयक के विरोध में ज्ञापन सौंपे गए। इसी के तहत आज अजमेर जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धारा 144 होने के चलते प्रदर्शन न करते हुए केवल 5 सदस्यों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और इस विधेयक में कई कमियां बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के ऊपर निवर्तमान अध्यक्ष शहर विजय जैन के निर्देश के अनुसार हम आज जो काला कानून कल केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है, किसानों के खिलाफ जो कानून पास किया गया है उसकी घोर निंदा की है। हमने ज्ञापन देकर राज्यपाल के नाम पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और इस काले कानून को हटाने की हम मांग करते हैं। हम इस काले कानून की जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे कैप्टन हरमिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोर्ट में जाने की भी इसमें पहल की है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, ये तय है, इसमें कोई दोराह नहीं है। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने जो इसका विरोध किया है उसकी हम हर हालत में समर्थन करते हैं। और दो ही परिवार मिले हैं इस नरेंद्र मोदी की सरकार को, अडानी और अंबानी, अडानी और अंबानी। बाकी कहाँ जाएंगे नरेंद्र मोदी जी? 70 साल में क्या हुआ? इन 7 सालों में आपने क्या किया? जो देश की सारी संस्थाएं शीर्ष पर थी वो गर्त में आ गई। आज 7 सालों में जो हमारा वैभव था, धन संपदा थी, वो सब विनाश हो गया। ये हुआ 7 सालों में, ये दुनिया देख रही है। ये हमारे भारत माता जो हमारी अपनी है, नाम करते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मोदी जी जाग जाओ, किसान, गरीब, मजदूर अगर सड़कों पे उतरेगा तो मोदी जी आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी, आंदोलन करेगी, कोर्ट में जाएगी, लेकिन इस काले कानून को पास तो तुमने दादागिरी से कर लिया, लेकिन आगे इसका विरोध जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जनता के सामने हम लोग करना चाहते हैं। बीइंग ए कांग्रेस मैन, कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो बिल आए, 3 बिल आए, इसमें से एक इसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल है, जो 1955 इसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट है उसका संशोधन का बिल है। ये क्या बिल है? मूल रूप से ये बिल है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, बन रखा है, उसमें कुछ सूचियां दे रखी है कि उन सूचियों की कालाबाजारी और भंडारण नहीं हो सकता। अब ये जो बिल अमेंडमेंट का, ये जो गवर्नमेंट लेके आई है, केंद्र सरकार, वो इस बिल के माध्यम से क्या करेगी? वो ये करेगी आगे कि एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट को चेंज करके इसमें दाल, आलू, प्याज और ये जो तिलहन है, यानी इन सब का आप भंडारण भी हो सकेगा और कालाबाजारी भी हो सकेगी। ये किस लिए कर रही है ये सरकार? इस सरकार की मंशा क्या है? अब इसके माध्यम से क्या होगा कि जब अगर आलू प्याज का भंडारण शुरू हो जाएगा तो बड़े जो कॉरपोरेट्स घराने हैं वो लाखों टन अपने भंडारण कर लेंगे, जब उनकी मर्जी आएगी उसको बेचेंगे, जिस रेट में बेचेंगे। अब ये उनको फ़ायदा देने के लिए कैसे, दूसरे 2 बिल हैं वो इसका सपोर्ट कैसे करते हैं? दूसरे 2 बिल, अच्छा इसमें एक बात और है, छोटा व्यापारी, छोटा किसान भंडारण इतना नहीं कर सकता। वो कितना करेगा? 2 एकड़ की जिसकी ज़मीन है, 3 एकड़ की ज़मीन है, वो कितना भंडारण करेगा? कॉरपोरेट्स को लाभ देने के लिए इसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट का अमेंडमेंट बिल आया और इसके फेवर में 2 बिल आए हैं, जो ये है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल और एक है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्मर्स बिल। ये 2 बिल क्या हैं? ये 2 बिल ये हैं कि कोई भी अगर किसान अपने अपनी फसल को, अगर कोई बड़ा व्यापारी, बड़ा कॉरपोरेट उससे एग्रीमेंट कर लेगा कि फसल आप बुआई करो आपके 2 एकड़ में, और अभी हैंड टू हैंड हम आपका एग्रीमेंट कर रहे हैं और जितनी भी एग्रीमेंट है, ये 5 लाख में आपका एग्रीमेंट करा और उसके बाद ये फसल हमारी जिम्मेदारी है। अब होगा क्या कि वो एग्रीमेंट ये बड़े कॉरपोरेट गाने छोटे छोटे किसानों से कर लेंगे,
लेकिन जब एग्रीमेंट की बारी आएगी, जब फसल पकेगी, तो उस फसल को अगर बाय चांस इन्होंने मना कर दिया किसी भी टेक्निकल आड़ में कि यार ये फसल ख़राब है, आपने ये नहीं किया, ये शर्तें लागू नहीं की, ये नहीं किया, अब वो कोर्ट में जाता रहे, कोर्ट में सालों तक धक्का खाता रहे। मीडिया की, उनकी मीडिया क्या, इनकी कॉरपोरेट्स की इच्छा पे होगा कि भाई उस फसल को ले ना ले, और अगर लेते भी हैं तो कॉरपोरेट्स उसको ऊँचे दामों में बेचेंगे। एक तो ये बिल, दूसरा ये है कि इस बिल, इस दूसरा जो बिल है उसके माध्यम से ये फार्मर्स अपने अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। तो कहीं भी बेचने में क्या होता है कि वो छोटे छोटे किसान अब जाके बाहर तो इसका एग्रीमेंट करेंगे नहीं, सपोज ऑनलाइन भी एग्रीमेंट का, जो केंद्र सरकार कह रही है ऑनलाइन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाके तो बेच नहीं सकते। तो अब इन सारे बिलों का लाभ ये है कि ये टोटली कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। तो इसके अगेंस्ट में कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस सरकार है, और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 250 करीबन किसानों की समितियाँ हैं, जिन समितियों का केंद्र सरकार ने कोई, कांग्रेस की समितियाँ बता रहा हूँ, संगठन है 250, जिनसे कोई उन्होंने इसमें सुझाव नहीं लिया। अब अगर वो ही नाराज़ है, किसान नाराज़ है, आप किसको फ़ायदा देना चाह रहे हो? तो टोटल इसका लाभ यह है कि ये टोटल कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है और किसान के विरोध में है, ये जानना बहुत जरूरी है। वह बहुत जरूरी